बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है HSC रिज़ल्ट के हवाले से, 2023 के रिज़ल्ट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो है ना HSC रिज़ल्ट 2023 पेपर्स बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड का वो कब है, और पहले तो ये न्यूज़ आ रही थी कि मिड ऑफ अगस्त में ये आ जाएगा, ठीक है, अगस्त के दरमियान में। तो आज डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है इस रिज़ल्ट की, फेडरल बोर्ड रिज़ल्ट 2023 क्लास 12, ठीक है। इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस्ड होगा 18 अगस्त 2023 को, और सिर्फ सेकंड ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर का साथ नहीं होगा, 2 बजे अनाउंस्ड होगा। उसके बाद इसमें इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आप नीचे जाके ये भी रीड कर सकते हैं कि अगर किसी को Part 1 और Part 2 के बारे में कुछ पूछना है क्वेश्चन। अच्छा, अब आप अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे भी, बिल्कुल आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है और ये फिर आपने सर्च रिज़ल्ट करना है। तो ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यूज़ है कि फेडरल बोर्ड 2023 HSSC का रिज़ल्ट जो है वो 18 अगस्त 2023 को अनाउंस होगा 2 बजे, दिन के 2 बजे। और उन्होंने प्रॉपर बताया है कि आपने चेक कैसे करना है रिज़ल्ट को, तो इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगी कि आपने चेक कैसे करना है रिज़ल्ट को। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं फेडरल बोर्ड के रिज़ल्ट को चेक करने के लिए। स्टूडेंट डू नॉट हैव टू विजिट अ स्पेसिफिक कॉलेज फॉर द मैनुअल रिज़ल्ट शीट। स्टूडेंट्स को अपने स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा अपनी रिज़ल्ट शीट लेने के लिए। कैंडिडेट कैन चेक द रिज़ल्ट बाई सिटिंग एट होम। आप अपने घर में भी बैठ के अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं थ्रू नेम और रोल नंबर, अपना नाम और रोल नंबर के ज़रिए, फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फेडरल बोर्ड, फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए। चेक फेबस मतलब फेडरल बोर्ड होता है, चेक फेडरल बोर्ड रिज़ल्ट 2023 HSC बाय नेम नाम के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन चेक फेबस रिज़ल्ट HSCC 2023 थ्रू द नेम। यू जस्ट हैव टू एंटर योर नेम ऑन द गिवन स्पेस ब्लॉक आफ्टर सेलेक्टिंग द कैटेगरी ऑफ फेबस रिज़ल्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन। स्टूडेंट कैन ऑल्सो एंटर देयर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ टू चेक द रिज़ल्ट। आप नाम के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, आपने अपना जो है ना एंटर करना अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी एंटर करेंगे और अपने फादर का नाम चेक रखेंगे तो आप अपना चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट। चेक फेबर रिज़ल्ट 2023 बाई रोल नंबर, रोल नंबर के ज़रिए कैसे आपको चेक करना है। कैंडिडेट्स कैन चेक HSC टू रिज़ल्ट 2023 पेपर्स बाय रोल नंबर। मेक श्योर यू एंटर द करेक्ट रोल नंबर ऑन द गिवन स्पेस। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप अपना रोल नंबर बिल्कुल दुरुस्त रखें। स्टूडेंट कैन ऑल्सो डाउनलोड द रिज़ल्ट शीट ऑन कंप्यूटर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट बाई सर्चिंग इट विद रोल नंबर। आप इसको अपनी जो रिज़ल्ट शीट है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्च करें, अगर आप अपने रोल नंबर के ज़रिए करेंगे। चेक फेडरल बोर्ड रिज़ल्ट 2023 HSC बाय SMS के ज़रिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट दैट डू नॉट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, शुड नॉट बी वरी अबाउट द रिज़ल्ट, वो अपने रिज़ल्ट के बारे में परेशान ना हो। दे कैन गोट फेबस रिज़ल्ट गेट सॉरी दे कैन गेट फेबस रिज़ल्ट HSC 2023 ऑन मोबाइल फोन थ्रू SMS भी किया जा सकता है। और यू जस्ट हैव टू टाइप योर नेम और रोल नंबर ऑन मोबाइल फोन एंड सेंड इट टू 5050, यू विल गेट द रिज़ल्ट ऑन योर मोबाइल फोन। आप अपना रिज़ल्ट अपने मोबाइल फ़ोन पर ले आएंगे। चेक फेबस रिज़ल्ट 2023, हाँ ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, बहुत ही नीचे जाना पड़ता है, ये पूरी PDF फाइल होती है जो आप अपने कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूरे फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट होता है, यानी एक स्कूल एक बच्चे का बना होता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वे है। तो मेरी बात मतलब मेरा मशवरा यही है कि सब में से आप कर लें। तो खुदा हाफिज़, प्लीज़ मेरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।